जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत। किसान भाइयों, स्वराज 742 XT यानी कि एक्स्ट्रा टार्क 4 स्टार के साथ ये ट्रैक्टर हमारे सामने खड़ा हुआ 2024 जनवरी की जो मार्किंग है वो आपको मिलने वाली है। 2024 में क्या कुछ बदलाव किए हैं स्वराज ने, तो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं। फ्रंट में एरोडायनेमिक शेप के साथ ब्लू और क्रीमी वाइट के साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है, और कांच वाली जो हेलोजन टाइप की हेडलाइट है वो मिल जाएगी। स्वराज की ब्रांडिंग आपको ग्रिल के ऊपर मिलने वाली है। इसके फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो काफी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल नॉन एडजस्टेबल वाला सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इसके फ्रंट टायर की अगर हम बात करते हैं तो 6/16 गुडियर का टायर मिल जाएगा, और रेयर टायर आपको मिलने वाला इस ट्रैक्टर के अंदर गुडियर का ही 14/9/28 वाला। और इसके साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो स्वराज 742 4 स्टार की जो ब्रांडिंग है आपको साइड प्रोफाइल में मिलने वाली। रिवर्स पीटीओ की जो स्टिकरिंग है आपको ग्रिल के नीचे ही जस्ट बगल में देखने को मिलने वाली। ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा 45 HP 3300 7 CC के साथ 3 सिलेंडर इंजन 2000 इंजन रेटेड आरपीएम पर ये अपनी पूरी ताकत प्रोड्यूस करके देने वाला है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो इंजन लगाया गया वो स्वराज कंपनी का ही है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको इसके अंदर मिल जाने वाला है। किसी भी प्रकार का टर्बो न EGR इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। किसान भाइयों, डीजल की खपत बहुत ही कम करने वाला है। सभी उपकरण आपका आसानी के साथ ये चला के देने वाला है। इसके अंदर जो ब्रेक मिलने वाली है आपको आयल इमर्स ब्रेक मिल जाएगी, और इसके अंदर डुअल क्लच मिल जाएगा जिसका डायमीटर है 280 mm। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो पीटीओ है, चलते हैं इसके बैकएंड की तरफ, बात करेंगे इस ट्रैक्टर के बैकएंड की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो पीटीओ मिलेगी 540 और 4 मल्टी स्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड के साथ इसके अंदर जो ऑप्शन है पीटीओ का वो मिल जाएगा। यानी कि एक तरीके से कहें कि इसके अंदर जो पीटीओ की स्पीड है, 4 तरीके की पीटीओ स्पीड आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवा के मिलने वाली है। इसके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 1700 किलोग्राम की, डुअल क्लच के साथ मिल जाएगा ये ट्रैक्टर आपको। और इसके पीटीओ एचपी आपको 38 हॉर्स पावर की मिलेगी, 30.1 किलोवाट का इसके अंदर जो पीटीओ है वो मिल जाएगी। और डायमेंशन और वेट की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इसका वजन 2053 किलोग्राम का मिल जाएगा। लंबाई 3455 mm की मिल जाएगी, चौड़ाई 1826 mm की मिल जाएगी, लंबाई 1915 mm की मिल जाएगी। और किसान भाइयों, व्हील बेस आपको 2085 mm की मिलने वाली है। इस ट्रैक्टर के बोर और स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो बोर 110 का मिलेगा, स्ट्रोक 122 का मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सर्विस इंटरवल 400 घंटे पर पहली सर्विस आपको 50 घंटे पर करवानी पड़ेगी। चलते हैं दूसरे साइड की तरफ, बात करेंगे इसके बैटरी की। तो 80 AH की जो बैटरी है वो मिल जाएगी। बैटरी को फुली पैक्ड किया गया है, साइड माउंटेड भी आपको ये बैटरी मिल जाने वाली है। और किसान भाइयों, इसके अंदर जो एयर फिल्टर लगाया गया है 3 स्टेज वाला प्री क्लीनर के साथ इसका एयर फिल्टर कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ है। एग्जॉस्ट को काफी अच्छी तरीके से पैक कर दिया गया है। फेंडर की लाइटों की अगर हम बात करें तो रेगुलर वाली जो क्लासिक लुक वाली जो लाइटें थी वही आपको मिलेगी, और LED वाली लाइटें भी ऑप्शनल में आप ले पाने वाले हैं। उसकी कॉस्ट कुछ अलग हो जाएगी। बात अगर आती है इसके फेंडर की, किसान भाइयों, तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन वाला और यहाँ से थोड़ा सा कर्व डिजाइन के साथ इसका फेंडर आपको काफी खूबसूरत सा और काफी हैवी ड्यूटी वाला जो फेंडर है वो मिल जाएगा। बैकरेस्ट आपको कंपनी फिटेड ही मिलने वाला है। और किसान भाइयों, काफी बढ़िया स्पेशियस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। थोड़ा सा बंप होने के बावजूद भी आपको सेंटर गियर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ ये ट्रैक्टर आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ है। काफी बड़ा हाइड्रोलिक फिल्टर मिल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल फिल्टर मिल जाएगा, डबल टेंडम पंप मिल जाएगा, एक पावर स्टेयरिंग के लिए, दूसरा हाइड्रोलिक के लिए। तो किसान भाइयों, सेपरेट आयल जो इसके अंदर जो सेपरेट टंकी है पावर स्टेयरिंग के लिए वो आपको इंजन के ऊपर मिल जाएगी, वो अभी मैं खोल करके दिखाऊंगा। बॉस का इनलाइन पंप आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया हुआ है। जहां पर बाकी ट्रैक्टरों में आपको डबल जो डीजल फिल्टर मिलते थे, अब उसकी कॉस्ट कटिंग भी कर दी है स्वराज ने। आपको सिंगल फिल्टर यहां पर मिलने वाला है, डीजल फिल्टर जो है वो आपको अब सिंगल मिलने वाला है। उसी के जस्ट बगल वाटर सेपरेटर आपको मिल जाएगा जो कि पानी
को डीजल से अलग करने का काम करके देने वाला। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाने वाली है। और फुट रेस्ट के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रावधान लगा के रखा है स्वराज ने, और 6 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। 6 साल या 6,000 घंटे की वारंटी कंपनी ने प्रोवाइड करवा रखा है। 12 वोल्ट की सॉकेट आपको यहीं पर मिल जाएगी। डबल QRC कपलर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी फिटेड मिल जाएगी, जिसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, जिसके सहारे से आप हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड कोई भी चीजें हैं आसानी के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। इजी हिचिंग का जो सिस्टम है अब स्वराज ने सभी ट्रैक्टरों में कर दिया है, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने उपकरण जोड़ पाने वाले हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो सीट लगाई गई है, डीलक्स सीट मिल जाएगी, मल्टी एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, सीट के जस्ट पीछे बोतल होल्डर मिल जाएगा, और लाइट रिफ्लेक्टर आपको फेंडर को जो जोड़ने के लिए एक पाइप लगाई गई है उसी के ऊपर देखने को मिल जाएगी। वर्क लैंप आपको फाइबर टाइप वाला, जो हाइलोजन टाइप की वर्क लैंप है, वही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाने वाली है। इसके लिंकेज की अगर हम बात करें तो काफी हैवी ड्यूटी लिंकेज मिल जाएगा। बॉक्स टाइप का स्वेबार मिल जाएगा, जिसको आप मल्टी पर्पज कामों से मल्टी एडजस्ट कर पाने वाले। इसके रियर एक्सल की अगर बात करें तो स्ट्रेट टाइप का आपको रियर एक्सल मिल जाएगा, काफी हैवी ड्यूटी वाला मिलने वाला इस ट्रैक्टर के अंदर। किसान भाइयों, चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म की। तो बम्प होने के बावजूद भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर काफी बढ़िया स्पेस मिलेगा, सेंटर गियर मिल जाएगा, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। और सिंगल PTO किसान साथियों, सिंगल क्लच के साथ, डुअल क्लच के साथ, डबल क्लच के साथ, इंडिपेंडेंट क्लच के साथ भी ऑप्शनल में आपको ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। आपको सिंगल फुट स्टेप के साथ इसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। चलें इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर और बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की। तो काफी कॉम्पैक्ट साइज की जो स्टीयरिंग है वही आपको इसके अंदर वो स्टीयरिंग मिलने वाली, काफी कंफर्ट होने वाली है, काफी स्मूथली वर्क करके देने वाली। स्टीयरिंग के बीचों बीच आपको स्वराज की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी। इसके डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर एनालॉग टाइप का जो डैशबोर्ड है वही डैशबोर्ड आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ। हैंडरेस्ट आपको साइड में ही मिल जाएगा, PCDC लीवर आपके बिल्कुल रीच में मिल जाएगा। इसके जो सेंटर गियर है वो आपको यहीं एकदम रीच में मिल जाने वाले हैं, और इस मॉडल में आप साइड गियर भी ले पाने वाले हैं। इसके व्यू की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर बैठ करके कुछ इस प्रकार का व्यू देख पाने वाले किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बात करेंगे इसके SHC की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो SHC है 257 ग्राम पर किलोवाट की SHC आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाने वाली है। और किसान भाइयों, इसकी अगर कीमत जानना है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा डीलरशिप का, तो इनसे आप बात करके इस ट्रैक्टर की कीमत जान पाएंगे। PTO की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 540 CR PTO यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे कि 4 प्रकार की जो PTO है वही इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवा के रखा हुआ है। काफी मजबूत इस ट्रैक्टर को बनाया गया। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो काफी मजबूत मिलने वाला है। खोलते हैं इसके बोनट को और दिखाते हैं आपको इसका इंजन। किसान भाइयों, यहाँ पर एक लॉक लगा है जिसको अनलॉक करने के लिए यहाँ थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, और सिंगल हैंडली आप इसके बोनट को आसानी के साथ सिंगल गैस स्टार्ट के साथ सहारे से आसानी के साथ उठा पाएंगे और नीचे गिरा पाएंगे। रेडिएटर काफी बड़ा एल्युमिनियम टाइप वाला मिल जाएगा, और आगे आपको बढ़िया स्पेस मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इंजन की अगर बात आती है तो काफी बढ़िया इंजन और एकदम नई जनरेशन वाला इंजन है, वो इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है, जो कि ज्यादा टार्क निकाल के देगा और आपके डीजल कंज्यूम बहुत ही कम करने वाला है। पावर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट टंकी यहीं साइड मिल जाएगी। ओवरफ्लो विद रिजर्व वायर वाली जो टंकी है वो आपको कूल एंड कूल्ड इंजन के साथ ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। वो ओवरफ्लो वाली जो टंकी है किसान भाइयों, वो आपको यही रेडिएटर के जस्ट पीछे ही मिल जाने वाली है। किसान भाइयों, इसकी शुरुआत सिंस 1974 में हुई थी। सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा का जो स्टिकर है ये कंपनी यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।